अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में रेमंड्स के नाम पर नकली माल बनाने की सूचना पर 3 दुकानों पर छापे मारकर लाखों रुपए का माल बरामद कर लिया गया। रेमंड्स के नाम पर इस नकली कपड़े को बेचकर ये दुकानदार ग्राहकों को मोटा चूना लगा रहे थे। आज जिन दुकानों पर छापे मारकर रेमंड का नकली कपड़ा बरामद किया गया, उनमें उमर क्लॉथ हाउस, समीर क्लॉथ हाउस और सैफुल क्लॉथ हाउस शामिल हैं। ये तीनों ही दुकानें लिसाड़ी गेट व ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में स्थित हैं। सूत्रों का दावा है कि मौके से 20 से 25 लाख रुपए का नकली माल बरामद किया गया है, जबकि कंपनी अधिकारी ने यह माल 2 से 2.5 लाख रुपए कीमत का बताया है। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं कंपनी के अधिकारी मोहम्मद आकिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। मेरठ के अंदर जो आज कार्रवाई करी गई है, क्या कार्रवाई करी गई है, कहां कहां पे छापा? मेरठ में 3 दुकानों पर छापा मारी गई है। तीनों दुकानों के अंदर रेमंड के नाम से डुप्लीकेट माल बेचा जा रहा था और लोगों को ठगा जा रहा था। दुकान का नाम है उमर क्लॉथ हाउस, समीर क्लॉथ हाउस और सैफू क्लॉथ हाउस। किसकी सूचना पता आपने? एक्चुअली ये कंप्लेन हमें डायरेक्ट सूचना कंपनी में आई थी कि मेरठ में शहर के अंदर बाजार में रेमंड के नाम से डुप्लीकेट माल बेचा जा रहा है, तो उस आधार पर हमने यहाँ आके इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि ये लोग डुप्लीकेट माल बेच रहे और लोगों को ठग रहे। पता चला कब से ये बेच रहे थे और करीब कितने का माल आपने जब्त किया? हमने ये माल 2 से 2.5 लाख रुपए का जो जब्त किया है, और ये कब से बेच रहे थे उसका अंदाज़ा हम नहीं दे सकते आपको। सर अभी आपने यही करी है, उससे पहले भी कोई और मेरठ के अंदर कार्रवाई की? हमने मेरठ में ये पहली कार्रवाई करी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।